नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतर्गत टार्नेडो की। टार्नेडो क्या होता है, उसके निर्माण संबंधी कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसको मापने के स्केल कौन कौन से हैं, ये सब हमने बात की थी। चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे आपसे आर्द्रता की, यानी ह्यूमिडिटी की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे हमने दो शब्द दिए गए हैं, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर और वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन। वाटर वेपर एंड इवैपोरेशन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। अगर जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं तो जलवाष्प क्या होती है। जलवाष्प जल का गैसीय रूप होता है, यानी किसी भी पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसे ही जल के तीन रूप होते हैं, जिसमें एक होता है गैस रूप जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, और जल के जब तरल रूप में होता है यानी द्रव में होता है तो उसे हम जल कहते हैं, और जब ये ठोस रूप में होता है तो इसे हम बर्फ कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का जो संगठन है उसमें जलवाष्प का योग 2% होता है, परंतु यह मात्रा स्थान स्थान पर बदलती रहती है। यह 0 से लेकर लगभग 5% तक होता है। वायुमंडल के संगठन को हमने देखा था, उसमें तीन चीज़ें शामिल थी, गैस, धूलकण और जलवाष्प। तो जलवाष्प का योगदान कितना है, 0 से लेकर 5% तक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समस्त जलवाष्प का 50% भाग वायुमंडल के निचले 2000 मीटर तक वाले भाग में रहता है, यानी कि पृथ्वी के धरातल से लेकर के लगभग 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर की ऊंचाई तक जो संपूर्ण जलवाष्प है, यानी कि 0 से जो 5% है उसका लगभग 50% भाग इतनी ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से कि जो जलवाष्प है आपको वो कैसे वायुमंडल को प्राप्त होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण जो आपके जलीय भाग हैं, जैसे सागरीय भाग हो गया, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, झरने हो गए, बर्फ हो गई, वहाँ से बर्फ के साथ साथ वनस्पतियाँ और जीव भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे जल वाष्पीकृत होकर यानी इवैपोरेशन होकर के वायुमंडल में पहुंचता है, जिसमें आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जल के भाग से वाष्पीकरण हो रहा है और ये वायुमंडल में पहुंचता है। इसी के साथ साथ ऊपर पहुंचने पर इसका संघनन होता है तो बादलों का निर्माण होता है और ये जल बूंदों के रूप में धरातल पर आता है और पुनः प्रवाहित होकर के ये पुनः सागरों तक पहुँचता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं, यानी वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि जल वाष्प रूप में वायुमंडल को कैसे प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि जल वाष्प की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखते हैं कि वर्षा की मात्रा तथा उसका स्वरूप। यदि वर्षा अधिक होती है तो जाहिर सी बात है कि आर्द्रता अधिक प्राप्त होती है, यानी जलवाष्प अधिक प्राप्त होती है। स्वरूप, यदि जल बूंदों के रूप में तेज बौछार के साथ हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, यह भी वर्षा की जलवाष्प की मात्रा को प्रभावित करता है। साथ ही साथ पृथ्वी से विकिरण द्वारा ऊष्मा के नष्ट होने की मात्रा, जितनी अधिक विकिरण द्वारा ऊष्मा नष्ट होगी उतना अधिक जलवाष्प प्राप्त होगा। साथ ही साथ धरातलीय तापमान से मतलब है कि तापमान जितना अधिक होता है उतनी ही आर्द्रता की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि तापमान अधिक होने से जलवाष्प वाष्पीकृत रूप में वायुमंडल को अधिक प्राप्त होता है। इसके साथ साथ वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट भी आपके जलवाष्प को प्रभावित करती है,
वायु राशियों की स्थिरता तथा अस्थिरता आदि पर भी निर्भर करती है। आपको हम कई बार बता चुके हैं, जब हवाएं नीचे ऊपर से नीचे उतरती हैं तो ये स्थिर होती हैं, यानी मौसम साफ होता है, और जब ये ऊपर जाती हैं तो ये अस्थिर होती हैं, अर्थात वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जल वाष्प वायुमंडल को प्राप्त किन किन स्रोतों से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वायुमंडल को जल वाष्प सागरीय भागों से प्राप्त होता है, इसके बाद जो झीलें होती हैं उनसे होता है, जलाशयों और तालाबों से प्राप्त होता है, सिंचित कृषि क्षेत्रों से भी जल वाष्प प्राप्त होता है और नदियों से प्राप्त होता है, इसके साथ साथ वनस्पतियों से भी प्राप्त होता है, और यहाँ पे हम बता दें कि जो वाष्पीकरण वनस्पतियों और जीवों से होता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी इवैपोट्रांसपीरेशन कहते हैं, जबकि वाष्पीकरण को इवैपोरेशन कहते हैं, लेकिन जो जीवों और वनस्पतियों से होता है उसे इवैपोट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा जल जल वाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि जल का गैसीय रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की मात्रा तथा तीव्रता वायु की गति व तापमान व शुष्कता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि जो वाष्पीकरण की मात्रा है या उसकी तीव्रता है वो वायु की गति, तापमान और शुष्कता पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, जितना ही उच्च तापमान पर वायु शुष्क होती है तथा गति तीव्र होती है वाष्पीकरण उतना ही अधिक व तीव्र होता है। यानी कि अगर तापमान अधिक है, वायु शुष्क है और उसकी गति भी तीव्र है तो आपका वाष्पीकरण बढ़ेगा, यानी तीव्र गति से होगा। यानी उच्च तापमान शुष्क वायु और गति तीव्र गति और वाष्पीकरण के मध्य सीधा संबंध होता है। ठीक है, अधिक तापमान वाली शुष्क हवा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि जो पवन जितनी शुष्क है और अधिक तापमान वाली है उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि वाष्पीकरण तीव्र होता है। क्योंकि हवा संतृप्त यानी सेचुरेशन होने में समय लगता है, यानी तापमान शुष्क हवा और गति में सीधा संबंध है, क्योंकि हवा को संतृप्त होने में समय लगता है। इसी तरह स्थिर हवा में नमी का स्थानांतरण ना हो सकने के कारण वायु शीघ्र संतृप्त हो जाती है। स्थिर हवा आपको बताया, जो हवा ऊपर से नीचे उतरती है, जो नीचे से ऊपर जाती है वह अस्थिर होती है, तो स्थिर हवा के द्वारा नमी का स्थानांतरण नहीं होता जिसके कारण वायु शीघ्र संतृप्त हो जाती है। साथ ही साथ जबकि अस्थिर हवा के कारण वाष्प का स्थानांतरण होता है। ठीक है, स्थल की अपेक्षा सागरों पर वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः अगर वाष्पीकरण सागरों से अधिक होता है तो जाहिर सी बात है कि सागरों पर जल वाष्प अधिक होता है, स्थल की अपेक्षा सागरों पर जल वाष्प अधिक होता है। आगे देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या है, यानी लैटेंट हीट। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जल जब वाष्प में बदलता है या गैस में बदलता है तो उसके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें लैटेंट हीट को दिखाया गया है कि लैटेंट हीट कैसे प्राप्त हो रही है। जल से वाष्पीकरण के माध्यम से जो जल वाष्प है वो वायुमंडल में पहुंचता है, और साथ ही साथ जो सूर्य की एनर्जी है जो ऊष्मा के रूप में जल को प्राप्त होती है, यह भी साथ साथ जल वाष्प के साथ साथ वायुमंडल में पहुंचती है। यानी कि जल वाष्प में जो ऊष्मा का रूप संग्रहित रहता है उसे ही हम लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, और यह आपको कई बार बताया गया है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, या इसे ऊष्मा को लैंजली में भी मापा जाता है। 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 कैलोरी,
यानी 1 ग्राम अगर बर्फ़ लेते हैं आप, उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 79 कैलोरी की। तथा 1 ग्राम जल को वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम कैलोरी ऊर्जा की, जबकि जल से गैस में बदलने के लिए सबसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी 607 कैलोरी की। इससे स्पष्ट है कि हिम से जल तथा जल से वाष्प में स्थित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाष्प में ऊष्मा की ये छिपी हुई मात्रा गुप्त ऊर्जा या गुप्त ऊष्मा कही जाती है। यानी कि जल जब वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में बदल जाता है तो उसमें जो ऊष्मा संग्रहित रहती है या ऊष्मा की जो मात्रा छिपी हुई रहती है उसे ही हम गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊर्जा कहते हैं, यानी लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह ऊर्जा सौरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ हम एक बार फिर से उस चित्र को देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में जल तक पहुँचती है, इसके बाद सागरीय भाग से जल का वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, जिससे जल वाष्प रूप में वायुमंडल को प्राप्त होता है, और इसी जल वाष्प में जो सूर्य की एनर्जी संग्रहित होती है इसी ऊष्मा को हम लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इस वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनने के समय ऊष्मा खर्च होती है, ये आपको याद रखना है कि जब जल वाष्प रूप में जब वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में बदलता है तो उससे क्या होता है? ऊर्जा खर्च होती है, यानी ऊष्मा खर्च होती है। ठीक है, परंतु संघनन द्वारा वाष्प जब जल में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि जब जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में बदलता है तो ऊष्मा उस जल वाष्प में संग्रहित हो जाती है, यानी खर्च होती है, और जब संघनन द्वारा वाष्प जब पुनः जल में परिवर्तित होती है तो उससे ऊष्मा मुक्त होती है, और इस मुक्त ऊष्मा को संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के मुख्य विषय जो है हमारा आर्द्रता, कि आर्द्रता क्या होती है, यानी ह्यूमिडिटी क्या है। देखते हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जल को दिखाया गया है, जल की कुछ बूंदें दिखाई गई हैं, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, देखते हैं। वायु में उपस्थित या वायु में स्थित जल के गैसीय रूप को, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, देखा भी, वायु में स्थित जल का गैसीय रूप ही वायुमंडल की आर्द्रता या नमी कहलाता है। ठीक है, यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। अभी हमने देखा था कि जल वाष्प के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और जल वाष्प के स्रोत कौन से हैं। ठीक है, तो उन्हीं स्रोतों के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचती है जल वाष्प। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्द्रता जलवायु विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्यों? क्योंकि इससे जल वर्षा यानी रेनफॉल, वर्षण के विभिन्न रूप, अभी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि वर्षण और जल वर्षा का कौन कौन से प्रकार होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडलीय तूफान और विक्षोभ आदि पर आधारित होती है। यानी कि जलवायु विज्ञान में आर्द्रता का अधिक महत्व है, क्यों? क्योंकि इससे रेनफॉल यानी जल वर्षा, वर्षण, वायुमंडलीय तूफान और विक्षोभ आदि आधारित होते हैं इसी आर्द्रता पर, इसलिए इसका अधिक महत्व होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या है। वायुमंडल की आर्द्रता सामर्थ्य, वायु की आर्द्रता का मापन वायु के प्रति इकाई घन प्रति घन फुट आयतन पर ग्रेन इकाई या प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में किया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि आर्द्रता को किस में मापते हैं, तो प्रति घन फुट आयतन पर। घन फुट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं घन फुट, यानी कि आप समझ सकते हैं एक बॉक्स, घन फुट का मतलब एक बॉक्स को समझ सकते हैं, ग्रेन इकाई या प्रति घन सेंटीमीटर
पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तापमान वाष्पीकरण में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब तापमान जितना अधिक होता है वाष्पीकरण भी उतना अधिक होता है। ठीक है, तापमान और वाष्पीकरण में सीधा संबंध होने के कारण आर्द्रता व तापमान भी में सीधा संबंध होता है। ठीक है, यानी तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, अगर वाष्पीकरण भी अधिक होगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक निश्चित आयतन पर और निश्चित सीमा पर, आपको ये दो शब्द याद रखने हैं, निश्चित आयतन व निश्चित सीमा, किसकी, वायु की। निश्चित आयतन ऐसे सॉरी निश्चित तापमान और निश्चित आयतन पर जो अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता है, किसकी क्षमता, वायु की क्षमता है, उसे ही हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, वायु का तापमान जितना जितना ही अधिक होगा नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये हमने देखा था अभी कि वायु का तापमान जितना अधिक होगा वायु जितनी शुष्क होगी और वायु की गति जितनी तीव्र होगी उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उससे उतना ही अधिक वाष्पीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्द्रता के प्रकार, कि आर्द्रता को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आर्द्रता को बता दें यहाँ पर कि तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसमें आप देखते हैं क्या होता है, वायु के निश्चित आयतन पर, ये शब्द आपको याद रखना है हमेशा, निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा, ये शब्द आपको याद रखना है कि किसी वायु है जो उसका निश्चित आयतन है और उसमें उपस्थित जो नमी की कुल मात्रा है उसे ही हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जल वाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी एक निश्चित आयतन वाली वायु है उसमें जो कुल नमी की मात्रा है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जल वाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसका मापन देख लेते हैं। प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर में से मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि ये वायु का एक निश्चित आयतन है। आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन माप होते हैं इसके। ठीक है, तो इस निश्चित आयतन वाली वायु में जो नमी की कुल मात्रा है जो आपको दिखाई दे रही है, नमी की कुल मात्रा को ही हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कुल मात्रा शब्द याद रखना है वायु के साथ एक निश्चित आयतन वाली वायु में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तापमान के कम या अधिक होने पर वास्तविक आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी तापमान कम या अधिक हो रहा है इससे वास्तविक आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वाष्पीकरण द्वारा अतिरिक्त नमी मिलने या संघनन के बाद वर्षा के कारण नमी खर्च हो जाने पर ही वास्तविक आर्द्रता में अंतर होता है। ठीक है, यानी कि जो निश्चित आयतन वाली वायु है अगर तापमान घटेगा बढ़ेगा तो इससे निरपेक्ष आर्द्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नमी अधिक प्राप्त हुई या संघनन में अधिक खर्च हुई तो फिर आपकी निरपेक्ष आर्द्रता में अंतर आता है। परंतु वायु के ऊपर जाकर फैलने तथा आकर सिकुड़ने पर परंतु वायु के ऊपर जाकर फैलने तथा नीचे नीचे आकर सिकुड़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता में अंतर आ जाता है। ठीक है, अंतर आ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा सागर तट से महाद्वीपों की आंतरिक भागों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, ध्रुवों पर सबसे कम होती है, और सागर तट पर अधिक होती है और महाद्वीपों पर कम होती है। ठीक है, इसके साथ साथ शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में
तथा रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। तो यह 3-4 फैक्ट हैं, आप याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, सागर से महाद्वीपों की ओर कम होती जाती है, शीतकाल ग्रीष्मकाल से शीतकाल की ओर कम होती जाती है, यानी ग्रीष्मकाल में अधिक शीतकाल में कम, तथा दिन की अपेक्षा रात में कम होती है, यानी दिन में अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद है आपकी सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसे भी हम देखते हैं कि ये क्या होती है। आपकी सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा। ठीक है, ये दो शब्द हैं आपके पास, ये हमेशा याद रखेंगे आप। एक वायु है जिसका निश्चित आयतन है, निश्चित तापमान है और निश्चित आयतन है, वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य यानी अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा यानी निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि एक निश्चित आयतन व निश्चित तापमान वाली वायु है जिसमें ताप जितना जलवाष्प उपलब्ध है यानी नमी उपलब्ध है और उसके नमी धारण करने की क्षमता कितनी है, इन दोनों के ही अनुपात को, ये अनुपात शब्द आप याद रखेंगे, अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये निश्चित आयतन तथा निश्चित तापमान वाली वायु है। ठीक है, और इसमें जो जलवाष्प है वो कितना है, 28% है। ठीक है, लेकिन इसी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह